यूपी से हैं सुनीता जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी मैम। हेलो, नमस्ते मैम जी। नमस्कार। नमस्ते हकीम साहब। जय हिंद, स्वागत है आपका। सुनीता जी बताइए क्या सवाल है। हकीम साहब मेरे दो तीन सवाल हैं। हाँ जी, ये मेरे को ना अर्थराइटिस है, और तो मुझे ये पूछना था कि जो आप काला गौंद बताते हैं वो अर्थराइटिस में काम करता है? जी जी जरूर करता है। और जैसे हड्डी में गैप आ रखा होता है डॉक्टर बताते हैं, तो उसमें भी काम करेगा ये? हाँ देखिए, डॉक्टर तो सब लोगों को गैप बता देते हैं। कभी कहते हैं कि उसका ग्रीस ख़त्म हो गया जो लुआब होता है, कभी कहते हैं गैप हो गया। लेकिन हम जब से पैदा होते हैं और जब तक हम जिंदा रहते हैं, हमारे जोड़ों की शक्ल और सूरत, हमारे जोड़ों की नहीं बल्कि हमारी शक्ल भी और हमारे जोड़ों की शक्ल सूरत बदलती ही रहती है। और मेरी अनुभव में गैप कभी नहीं आता, और सब अपना अपना तजुर्बा मानते। देखिए, हम को भी 40 साल का तकरीबन अनुभव भगवान ने दिया है, वही शेयर करते हैं। और वही लोग जो ऑपरेशन की तरफ जाते हैं उनको मशवरा दे देते हैं, और उसमें बेशतर लोग उस परेशानी से बच जाते हैं। और बड़ा आसान सा इलाज है, चाहे आपको गैप बताया हो चाहे ऑपरेशन, या फिर लुआब कम बताया हो, लुआब सूख गया। वैसे मैंने नहीं देखा किसी का लुआब सूखता हुआ। अगर आप भरोसा करें तो गौंद स्याह मैं बताता हूँ, जैसे आपने सवाल किया, वो 100 ग्राम खरीद लें असली और पाउडर बना के रख लें अलग से। ये मेरे अनुभव की दुनिया की सबसे बेहतरीन रॉ मटेरियल है। असली अगर मिल जाए तो 15-16 रुपए रोज़ का इलाज है। 1 ग्राम रोज़ाना खाना है, आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम को नाश्ते और खाने के बाद। और अलसी तो आप जानते ही हैं, अलसी को हल्का सा भून के 300-400 ग्राम अलसी ले लें और उसको हल्का सा भून कर और पाउडर बना लें, एक चम्मच अलसी और आधा ग्राम गौंद स्याह उसमें मिलाकर खाना शुरू कर दें। 5-7 दिन सब्र करें, ये 5-7 दिन में थोड़ा थोड़ा फ़ायदा शुरू होने लगता है। और ये 100 ग्राम भी अगर असली गौंद मिल गया तो चाहे आर्थराइटिस हो, चाहे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, चाहे गैप बता दिया हो, चाहे ग्रीस ख़त्म बता दिया हो, इसमें फ़ायदा होना मुमकिन है। बस दो तीन बातों का ख्याल रखें, वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें, वज़न ना उठाएं, और मेहनत के काम इलाज के दौरान, जब तक इलाज चल रहा है, मेहनत के काम ज़्यादा ना करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है।